हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जब अपने मोबाइल में फ्री फायर इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से पेंडिंग दिखाता है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसी चीज को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें। जैसे कि आप देख रहे हैं प्ले स्टोर में हमने इंस्टॉल डाउनलोड कर रहे हैं तो इसमें पेंडिंग दिखा रहा है, तो इस चीज को हम कैसे सही करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी चीज को हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप उसे लास्ट तक देखें तब आप समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले बैक, और बैक जाने के बाद हम कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे बैक फ्रेंड्स, और बैक जैसे हम जाते हैं इसके बाद अब हम इसमें क्या करने वाले हैं इसी चीज को आप ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, करना यह है फ्रेंड्स कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। तो यहाँ पे सेटिंग आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा या स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर से, ये रही सेटिंग आप देख रहे हैं। अगर ये सेटिंग नहीं मिल रही आपको तो स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर भी आपको सेटिंग मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस सेटिंग पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अब क्या करना है कि यहाँ से आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद यहाँ आपको देखना है एप्स, एप्स पे क्लिक करेंगे, और एप्स पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है मैनेज एप्स। तो मैनेज एप्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज एप्स पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ढूंढ लेना है, कहाँ पे प्ले स्टोर है ये देख लें। अगर इसमें आपको प्ले स्टोर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, यहाँ देखिए ये प्ले गूगल प्ले स्टोर आपको यहाँ पे मिल गया है। अगर नहीं मिल रहा है तो ऊपर जाके आप सर्च कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, और गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद क्या करना है ध्यान से देखेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो ये करना है कि आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्या करना है, क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ देखिए ऑल एप्स डाटा इंक्लूडिंग फाइल सेटिंग अकाउंट यहाँ डाटाबेस कैश विल बी परमानेंटली डिलीटेड। आपका जो भी इसमें प्ले स्टोर में जंक फाइल जमा हो गया होगा या बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो डेड हो जाती है सेटिंग, तो आप इसको ऑल डाटा पे कर देंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये तो आपने कर दिया। इसके बाद आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप देख लेंगे डाटा यूजेज अगर जीरो से ज्यादा है तो इसको भी क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम सेटिंग से नहीं इस चीज को सही करें तो आप डायरेक्ट यहां से भी प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। करना कैसे है, प्ले स्टोर पे थोड़ा सा टैप करके रखेंगे, और जैसे टैप करके रखेंगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा ऐप इन्फो, ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लियर ऑल डाटा, तो क्लियर ऑल डाटा पे जाएंगे, और यहाँ फिर से आप क्या करेंगे, क्लियर डिलीट ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे इसके बाद आपकी प्ले स्टोर जो है सारी सेटिंग नहीं हो गई होगी। इसके बाद अगर आप इसमें प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से खुलेगा, और इस तरह से खुलने के बाद आप इसमें जो टाइप करना है फ्री फायर, तो आप इसमें जाएंगे और फ्री फायर यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चलिए हम फ्री फायर यहाँ से टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ्री फायर हम जैसे टाइप किए हैं तो यहाँ पे आ गया है फ्री फायर गेम्स, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब आपको पेंडिंग नहीं बताएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करें, ये देखिए इंस्टॉल हो रही है। तो इस तरह से अगर आपके भी मोबाइल में फ्री फायर गेम इंस्टॉल नहीं हो रही है तो किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।